भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। थोड़ा सा दूध भी पिया करो, इससे हड्डी मजबूत होती है। आधा चम्मच घी खाया करो, इससे त्वचा पर चिकनाहट बनी रहती है। और गर्मी के महीने में 4 मुट्ठी मूंग की छिलके वाली दाल 1 मुट्ठी चावल के अनुपात से खिचड़ी बनाया करो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। स्वयं नहीं, अपनी वाइफ से बनवाया करो। और दूध शाम को गाय का दूध, भैंस का नहीं गाय का, उसमें नींबू निचोड़ दिया करो, कागजी नींबू ढांक के रख दिया करो। सवेरे तक दूध वो फट कर दही हो जाएगा और उसको उस खिचड़ी के साथ खाइए, पेट के सारे रोगों का विनाश हो जाएगा और पेट में जठराग्नि इतनी पैदा होगी, इतनी भूख लगेगी कि आपके पेट में भस्मासुर पैदा हो जाएगा, बहुत भूख लगेगी। गर्मियों में कभी कभी मट्ठा छाछ का प्रयोग किया करो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, पेट संबंधी समस्त रोगों का नाश करता है मट्ठा छाछ। लेकिन शाम को खिचड़ी दही मत खाना, नुकसान करेगा, ये केवल सुबह से 12 बजे तक का भोजन है। थोड़ा अपनी छत के ऊपर पैदल चला करो, ये महिलाओं के लिए सबसे अधिक अनिवार्य हो चुका है। छत को रोज साफ कीजिए और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर छत पर पैदल चलिए, तेज चाल। पैदल चलने से मुखमंडल पर चमक आती है, पैदल चलने से, तेज पैदल चलने से स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। पैदल चलने से आपका माइंड कुशाग्र बनता है, पैदल चलने से आपको बुखार बहुत कम आएगा, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। फिर भी जिनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो उनको थोड़ा दौड़ना चाहिए, दौड़ने से कपाल भांति क्रिया शुरू होती है, जो बाबा रामदेव सिखाते हैं कपाल भांति, ऐसे करते हैं। जब दौड़ोगे तो आपकी उल्टा सांस चलेगी, जैसे कुत्ता दौड़ता फिर हफता है, वो कपाल भांति होती है, ऐसे हफ जाना जरूरी है, इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। जब नींद लगे थोड़ा सो लीजिए, शाम को 9 बजे से पहले सोने की आदत मत बनाइए, 8 बजे से पहले जो शाम को सोते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, कम से कम 8:30-9 बज जाने चाहिए। सवेरे जो सूर्योदय के बाद जागते हैं, 8 बजे जागते, उनका स्मरण धीरे धीरे कम होता है, इसलिए सवेरे सूर्योदय के समय जागिए। जिस समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, संतरा कलर का, टमाटर कलर का, उस समय उसका दर्शन कीजिए, सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार कीजिए और लंबी सांस खींच करके 11 बार सांस खींचिए और छोड़िए सूर्य के सम्मुख, आपका मुखमंडल भी सूरज जैसा चमकने लगेगा, उसके किरणें आपको प्रकाशित करेंगे। थोड़ा जोर से हंसने का भी अभ्यास कीजिए, सबके बीच में हंसने में अगर शर्म लगे तो खेत में जाकर हंसा करिए, अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके हंसिए, कोई पूछे क्यों हंस रहे थे तो तुम भी उससे पूछो यही तो मुझको पता नहीं क्यों हंस रहा था, परंतु हंस रहा था। ये दुनिया के दुख, ये दुनिया के झमेले और इस दुनिया की झंझट, ये कभी कम नहीं होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज हम नहीं होंगे,
एक रोज हम नहीं थे। चालीस वर्ष की उम्र के पश्चात मीठा खाना कम कर दीजिए, पचास वर्ष की उम्र के बाद और कम कीजिए, साठ वर्ष की उम्र के बाद बिल्कुल ना के बराबर 10% ही मीठा लीजिए। डॉक्टर कहे कि शुगर हो गई है, उससे पहले शुगर बंद करो खाना, आखिर एक दिन बंद ही करना पड़ेगा।